दो 2023 एंड सीयूटी 2024 में हजारों स्टूडेंट्स को हेल्प करने के बाद अब मैं आ चुका हूं आप सभी दो 2025 के स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए Now, सबसे पहले मैं अपना ब्रीफ introduction दे देता अंडर ग्रेजुएशन फ्रॉम डेली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस नाउ मैंने खुद सीयूटी एग्जामिनेशन दिया था जिसमें से मेरे तीन सब्जेक्ट्स में कंप्लीट फुल स्कोर आया था दैट इज टू आउट ऑफ टू एंड जनरल टेस्ट में मैंने नाइनटी 0.5 परसेंटाइल स्कोर किया था एंड मैंने ये सारा किए कई सारी ऐसी आगे आगे आप 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 तो आपका एडमिशन होने में डिफिकल्टी हो जाएगी क्या सब्जेक्ट चूज करने हैं कितने मार्क्स का एग्जाम होगा टाइमिंग क्या होगा कंप्लीट इंफॉर्मेशन ये नए के बारे में आज इस एक वीडियो में आपको जानने को मिलेगी हर छोटे से छोटे

आप सभी बोलेंगे कि भैया मुझे कौन सी बुक्स को रेफर करना चाहिए तो गैस एक चीज आप याद रखिए आपको ओनली एनसीआर ही पढ़नी है नाउ जितने भी बच्चे सीबीएसई बोर्ड से बिलोंग करते हैं आपके तो मजे मजे क्योंकि आपके बोर्ड की में एनसीआरटी की किताबें लगती है लेकिन जो बच्चे आईसीएससी बोर्ड या स्टेट बोर्ड से बिलोंग करते हैं उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी बिकॉज आपके बोर्ड की अलग किताबें होती हैं लेकिन आईसीएससी एंड स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स को भी एनसीआरटी ही पढ़नी पड़ेगी क्योंकि एनसीआरटी से ही

इसी के इस कोर्स के अंदर गाइज आपको पांच हजार से भी ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे सीयूटी फॉर्मेट के जो सीयूटी टॉपर्स ने डिजाइन किए हैं उसी के साथ साथ आपको हर एक, एक किताब और हर एक के नोट्स की ऑनलाइन पीडीएफ भी मिल जाएगी और 75 प्लस मॉक्स आपको इसके अंदर दिए जाते हैं जिससे आपकी जिससे आपकी बहुत बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी ऑल्सो आप सभी को एंड में एक क्रैश कोर्स भी प्रोवाइड किया जाएगा जिससे आपका पूरा सिलेबस एंड में रिवाइज हो सके आपको ऑल इंडिया सीयूटी टॉपर्स इसमें मेंटर करेंगे एंड इसी के साथ साथ guys, आपको यहां पर एक कम्युनिटी भी प्रोवाइड करी जाती है जहां आपके डेली डाउट्स को आंसर किया जाता है और एक इसका व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है अभी के अभी जाके उसको ज्वाइन कर लीजिए जहां आपके सारे डाउट्स आंसर हो जाएंगे नाउ अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं सीयूटी 2025 के लेटेस्ट मार्किंग स्कीम के बारे में नाउ सीयूटी के अंदर गये आपका हर एक क्वेश्चन पांच नंबर का होता है लेकिन इसमें एक भयानक चीज आप जान लीजिए इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है ना नेगेटिव मार्किंग में आपका एक नंबर और काट दिया जाता है ये नेगेटिव मार्किंग के बारे में अगर आप नहीं जानते YouTube पे जाके और इसकी जानकारी हासिल करिए ना भैया सी में डिफिकल्टी लेवल कैसा हमें देखने को मिलता है मैं आपको थोड़ा इसके बारे में स्ट्रीम वाइज जानकारी देता हूं अगर मैं बात करूं ह्यूमैनिटीज के बारे में तो जितने भी ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं आपके लिए खुशखबरी है आपकी गैज सी यू टी में दो हजार बाईस दो हजार तेईस दो हजार चौबीस में आसान क्वेश्चन ही देखने को मिले हैं बस आपका सिलेबस अच्छे से कवर होना चाहिए बहुत अच्छा स्कोर आप हासिल कर सकते हैं इसी के साथ साथ कॉमर्स स्ट्रीम की अगर मैं बात करूं तो अगेन आपके लिए खुशखबरी की बात है कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए गैस आपका जो मेनली पेपर्स हैं ये आसान आते हैं लेकिन कुछ पेपर होते हैं जैसे कि अकाउंटेंसी ये डिफिकल्ट नहीं आता है बट मॉडरेट लेवल का आता है लेकिन अगर मैं बात करूं हमारे साइंस स्टूडेंट्स की तो थोड़ी सी न्यूज़ हाँ है guys, आपका जो पेपर है ये मॉडरेट से लेके डिफिकल्ट आता है इसीलिए ज्यादातर साइंस के स्टूडेंट्स अपने पेपर में ज्यादा स्कोर नहीं कर पाते बहुत कम देखने को मिलता है कि, कि किसी स्टूडेंट के टोटल सिक्स में से 500 क्रॉस हो पाया हो तो आपके लिए पेपर डिफिकल्ट होता है साइंस स्टूडेंट्स को मैं स्पेशली रिकमेंड करूंगा कि आपको अपने सीयूटी के लिए अभी से ही फोकस करना स्टार्ट कर देना चाहिए सो आई होप गाइस मैंने आपके इंपॉर्टेंट डाउट्स को आंसर किया है अगर आपके और भी कोई डाउट है कॉमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिएगा मैं आपके हर डाउट को आंसर करूंगा नाउ सबसे मेन क्वेश्चन भैया हाउ टू प्रिपेयर फॉर सी यूटी नाउ इस वीडियो में मैं ज्यादा डिटेल स्ट्रेटेजी कवर नहीं करूंगा अगर आपको एक डिटेल स्ट्रेटेजी

पर फोकस करिए अगर आपने एनसीआरटी से अच्छे से कवर कर ली तो ऑलमोस्ट एक 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 तो सारा सिलेबस कवर होता रहेगा ये गलती मत करिएगा कई स्टूडेंट्स की तरह बोर्ड की प्रेपरेशन को छोड़ के सिर्फ सीयूटी की प्रेपरेशन कर रहे हैं एमसीक्यू बेस्ड प्रेपरेशन कर रहे हैं ये नहीं होना चाहिए थर्ड चीज में आपको बोलूंगा कि भैया मुझे इंग्लिश और जीटी की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी चाहिए मैं अभी आपको बोलूंगा थाम्बा थाम्बा अभी आप सभी अपने ट्वेल्थ में आए हैं बेटर है कि आप सभी थोड़ा सा अपने डोमेन्स की प्रिपरेशन पर फोकस करिए एक बार जब आपका डोमेन्स का थर्टी फोर्टी परसेंट सिलेबस कवर हो जाए फिर जाके आप सभी इंग्लिश जीटी की प्रिपरेशन स्टार्ट करिए अदरवाइज डोमेन्स इंग्लिश जीटी सब संभालना आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा और फिर आपको लगेगा कि यार CUT तो बड़ा डिफिकल्ट एग्जाम है Although ये इतना डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है मैंने क्रैक किया है और बहुत स्टूडेंट्स को एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बता के क्लियर करवाया है क्रैक करवाया है आप सभी को भी मैं यही स्ट्रेटेजी दूंगा एक से दो महीने के बाद जाके आप इंग्लिश और जीटी की प्रिपरेशन स्टार्ट करिए लेकिन लेकिन सबसे पहले इंग्लिश की प्रिपरेशन आप स्टार्ट करिए अगर आप सभी इंग्लिश और जीटी की भी डिटेल स्ट्रेटेजी चाहते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा नाउ एंड में मैं आप सभी को बोलूंगा कि भैया अभी हम बैठ के क्या करें अभी आप सभी एनसीईआरटी कवर करिए बोर्ड के ऊपर फोकस करिए लेकिन ये इंपॉर्टेंट काम आप मेरी रिक्वेस्ट पर कर लीजिए आप सभी दो 2023 एंड 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए भैया मैं कौन से सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूं तो गई आप सभी अपने डोमेन्स के प्लस आप सभी इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए ये सॉल्व करके आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं कई लोगों को ये लगता है कि भाई मैंने एनसीईआरटी पढ़ ली मतलब मुझे सब आ गया नहीं एनसीईआरटी में भी कई ऐसी छोटी छोटी जगह होते हैं जो हम मिस कर देते हैं लेकिन वहां से भी एमसीक्यूज आते हैं अभी से ही अगर आप सभी पीवा सॉल्विंग हैबिट डेवलप कर लेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा एनसीआरटी की वो कोने कोने में पड़ी चीजों को कवर करना जहां से सवाल आ जाते हैं तो ये चीज मैं आपको अभी से ही बता दे रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस है पीवाई क्यूज को सॉल्व करिए जीटी अभी पढ़ना स्टार्ट मत करिए आपको इंग्लिश की भी प्रिपरेशन बाद में करनी है अभी आप पीवाई क्यूज को ही सॉल्व करिए डोमेन्स एंड इंग्लिश के